हे दोस्तों, मैं विक्रम अंसारी एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैथ एंड मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का ऐसे VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि पिछले मैट्रिक एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और आपके भी मैट्रिक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप इस मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाएं पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं। हे दोस्तों, जैसा कि आज से मोबाइल स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन में दिया गया है आपदा किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। मैट्रिक एग्जाम में ऐसे सवाल आपको 2 मार्क्स या 4 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए समझ लेते हैं कि आखिर आपदा होता क्या है। तो दोस्तों, आपसे बता दें कि प्रकृति में घटित होने वाले वैसे प्राकृतिक या मानवकृत घटना जिसके फलस्वरूप जान माल की अपार क्षति होती है, कई लोग बेघर हो जाते हैं तथा कई लोग काल के गाल में समा जाते हैं, उसे आपदा कहते हैं। आसान भाषा में समझ लीजिए कि दुनिया में होने वाली वैसी घटनाएं जिसके फलस्वरूप मनुष्य के जान माल के अपार क्षति होती है, कई लोग काल के गाल में समा जाते हैं। काल के गाल में समाना एक प्रकार का मुहावरा है जिसका अर्थ होता है मृत्यु के आघोष में समा जाना अर्थात मर जाना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग आपदा कहते हैं। चलिए उदाहरण के तौर पे आप सभी जान लीजिए कि भूकंप जो हो गया, भूकंप, बाढ़, सुनामी, ज्वालामुखी विस्फोट, आतंकवाद, महामारी, ये जितने भी हम आप सभी को एग्जाम्पल बताए हैं ये सभी आपदा के एग्जाम्पल हैं। उसके बाद में आप सभी जानेंगे कि आखिर आपदा कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, आपसे बता दें आपदा के 2 प्रकार होते हैं, एक होते हैं प्राकृतिक आपदा, दूसरे होते हैं मानवकृत आपदा। आसान भाषा में समझ लीजिए कि वैसी घटना जो प्राकृतिक कारणों से घटित होती है ना, उसे हम लोग प्राकृतिक आपदा कहते हैं। दुनिया में वैसे आपदा जो मनुष्य का उसमें कोई योगदान नहीं हो, जो प्राकृतिक कारणों के द्वारा घटित होती है, उसे हम लोग प्राकृतिक आपदा कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर भूकंप हो गया, ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, बाढ़ हो गया, सुनामी हो गया, ये जितने भी प्रकार के आपदाएं हैं ये सभी प्राकृतिक आपदा के कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद में आप जानेंगे कि आखिर मानव जनित आपदा क्या होता है। तो दोस्तों, आपसे बता दें मानव जनित आपदा या मानवकृत आपदा, आप लिखेंगे वैसी आपदा जो मानवीय कारणों के द्वारा घटित होती है, उसे हम लोग मानवीय आपदा कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आतंकवाद हो गया, रेल दुर्घटना, सड़क दुर्घटना, महामारी, ये जितनी प्रकार के ये घटनाएं हैं ये सभी मानवकृत आपदा कहलाती है। हे दोस्तों, आप चाहते हैं कक्षा 10वीं का सभी सब्जेक्ट का इंपोर्टेंट VBI ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर के साथ PDF डाउनलोड करना, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मोबाइल ऐप का लिंक दिया गया है। आप चाहे तो मोबाइल ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके भी डाउनलोड कर सकते हैं या प्ले स्टोर में भी सर्च कर सकते हैं मैथ एंड मैजिक टिप्स। वहाँ पर आप सभी को 2 ऐप देखने को मिलेगा। दोनों ऐप को अगर आप इंस्टॉल कर लेते हैं, उसे स्टडी कर लेते हैं, तो आप अपने मैट्रिक एग्जाम में काफ़ी अच्छे खासे मार्क्स ला सकते हैं। हे दोस्तों, जैसा कि आज ही मोबाइल स्क्रीन पे अगला सवाल कुछ मैं दो को देख पा रहे हैं, दिया गया है बाढ़ के दुष्परिणामों को लिखें। आज से बता दी कि बाढ़ से के दुष्परिणामों को लिखें, ऐसे सवाल तो मैट्रिक एग्जाम में पिछले बार पूछा गया था कि बाढ़ से होने वाली हानियों को लिखें, या ऐसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं कि बाढ़ के दुष्परिणामों को लिखें। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे आप कि बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है, यह विनाशकारी भी होता है तथा इसके प्रमुख दुष्परिणाम निम्नलिखित हैं। उसके बाद में आज भी रोमन नंबर 1 में लिखेंगे कि बाढ़ के कारण जनधन की हानि होती है, यानी जान माल की अपार क्षति होती है। उसके बाद में आज भी रोमन नंबर 2 में लिखेंगे कि बाढ़ के कारण पालतू पशु भी मर जाते हैं। आज भी देखेंगे कि अगर आपके एरिया में कभी बाढ़ आया होगा तो उसमें देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं जो पानी में दह जाते हैं तथा मर जाते हैं। उसके बाद में आज भी रोमन नंबर 3 में लिखेंगे कि बाढ़ के कारण फसल भी बर्बाद हो जाती है। आज सभी को मालूम हुआ कि जितने भी फसलें होती है बाढ़ के पानी आने के कारण सभी जो फसलें होती है वो दह जाते हैं अर्थात बर्बाद हो जाते हैं। उसके बाद में आज सभी रोमन नंबर 4 में लिखेंगे कि बाढ़ के कारण बड़े बड़े मकान क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, इतने बड़े बड़े मकान बाढ़ में दह जाते हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो बाढ़ एक ऐसा विनाशकारी आपदा है जिसके कारण बड़े बड़े मकान क्षतिग्रस्त हो जाते हैं अर्थात टूट जाते हैं।
उसके बाद में आज सभी रोमन नंबर 5 में लिखेंगे कि परिवहन के साधन जैसे रेल मार्ग, सड़क मार्ग, पुल इत्यादि टूट जाते हैं। आज सभी लिखेंगे कि बाढ़ के कारण परिवहन के साधन, या ऐसे भी लिख सकते हैं यातायात के साधन, एग्जाम्पल के तौर पे रेल मार्ग हो गया, सड़क मार्ग हो गया, पुल हो गया, ये जितने भी प्रकार के हैं यातायात के साधन, बाढ़ आने के कारण ये सभी टूट जाते हैं अर्थात बाधित हो जाते हैं। उसके बाद में आज सभी रोमन नंबर 4 में लिखेंगे कि बाढ़ के कारण संचार व्यवस्था ध्वस्त हो जाती है। उसके बाद में आज सभी रोमन नंबर 7 में लिखेंगे कि बाढ़ के कारण, या ऐसे भी लिखेंगे कि बाढ़ के समाप्ति होने के महामारी फैल जाती है। आज सभी देखेंगे कि बाढ़ समाप्त होने के जस्ट बाद तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न होने लगती है, जिसे हम लोग महामारी कहते हैं। उसके बाद में अगला जो सवाल है हमारा क्वेश्चन 3 में कि आपदा प्रबंधन की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ती है। क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे आप कि आपदा कोई भी हो उसका प्रबंधन अनिवार्य है। आपदा किसी भी प्रकार का क्यों नहीं हो उसका प्रबंधन यानी उसका इलाज अनिवार्य है। आपदा में ना केवल सिर्फ विकास कार्य अवरुद्ध हो जाते हैं बल्कि विकास के कार्यों में कई प्रकार के व्यवधान भी उत्पन्न हो जाते हैं। आपसे बता दें कि यद्यपि या यदि राष्ट्रीय स्तर तथा राज्य मुख्यालय स्तर पर प्रबंधन की व्यवस्था की गई है, जैसे सुखाड़ प्रबंधन हेतु आम लोगों के सहयोग से सामूहिक प्रयास के लिए कुएं भी खोदवाए जा सकती है, ठीक है, और भूकंप प्रबंधन हेतु नए तकनीक आधारित भवन निर्माण किया गया है। तो इस प्रकार से आप सभी को तथा हम सभी को आपदा प्रबंधन की आवश्यकता पड़ती है। तो चलिए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। हे दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन 4 में कि सुनामी से आप क्या समझते हैं। सुनामी का तो आप सभी नाम सुने ही होंगे, भूकंप तथा सुनामी का नाम बहुत सारे स्टूडेंट सुने होंगे, लेकिन ये भी जान लीजिए कि आखिर भाई सुनामी होता क्या है, सुनामी से आप क्या समझते हैं। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे आप कि पृथ्वी के आंतरिक, आंतरिक का मतलब होता है पृथ्वी के आंतरिक, इसे हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर प्रतिक्रियाओं के चलते जब समुद्री तल से ज़मीन कांपने लगती है तो उसका प्रभाव समुद्री जल में लहरों को काफ़ी ऊपर उठते हुए देखा जाता है, इसी को सुनामी कहा जाता है। देख लीजिए क्या होता है कि पृथ्वी के आंतरिक प्रतिक्रियाओं यानी पृथ्वी के अंदर कुछ गड़बड़ी हो जाती है ना, तो समुद्री तल यानी समुद्र के निचले भाग की ज़मीन होती है वो कांपने लगती है। इसका प्रभाव हमें ये देखने को मिलता है कि समुद्र में जितने भी पानी होते हैं उसको वो ऊपर ऊपर लहरें, बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठती है, जिसे हम लोग सुनामी के नाम से जानते हैं। दोस्तों से बता दें कि सुनामी में सैकड़ों मीटर की ऊंचाई तक समुद्री लहरें उठती है, बड़े ऊंचे ऊंचे इमारतों को भी पानी से क्षतिग्रस्त कर देती है जिस इलाके में सुनामी आती है। आपसे बता दें और तटीय क्षेत्र के भवनों के साथ सब कुछ बहा ले जाती है, कौन, तो सुनामी। तो आसान भाषा में समझ लीजिए कि पृथ्वी पर जब पृथ्वी जब हिलता है ना, यानी पृथ्वी में जब कंपन होता है तो उसे हम लोग भूकंप के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार से जब समुद्र में भूकंप आता है, समुद्र के पृथ्वी के तल के नीचे कंपन होता है, तो उसे हम लोग सुनामी के नाम से जानते हैं। उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। हे दोस्तों, जैसा कि आज में वाले स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 8 को देख पा रहे हैं, दिया गया है सर्वोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं। उम्मीद है कि आप सभी इस क्वेश्चन से ज़रूर वाकिफ होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके मेट्रिक एग्जाम में पूछा जा चुका है और ऐसे सवाल भी आपके मेट्रिक एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर सर्वोच्च कृषि होता क्या है। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे आप कि सर्वोच्च कृषि से अभिप्राय सर्वोच्च कृषि द्वारा की जाने वाली कृषि से है। आपसे बता दें कि इस प्रकार की कृषि प्रायः पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है। अब पहाड़ी क्षेत्र में ही क्यों की जाती है, तो वहाँ पे क्या होता है कि अधिक वर्षा होने के कारण उपजाऊ जी मिट्टी होती है वो पानी में बह जाते हैं अर्थात दह जाते हैं। अतः उपजाऊ मिट्टी को पानी में बहने से रोकने के लिए सर्वोच्च कृषि की जाती है। एक बार फिर से समझ लीजिए कि आखिर सर्वोच्च कृषि होता क्या है। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे आप कि सर्वोच्च कृषि से अभिप्रायः सर्वोच्च कृषि द्वारा की जाने वाली कृषि से है। इस प्रकार की कृषि प्रायः पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है जहां अत्यधिक वर्षा होने के कारण
उपजाऊ मिट्टी पानी में बह जाते हैं, अर्थात उपजाऊ मिट्टी को पानी में बहने से रोकने के लिए सर्वोच्च कृषि की जाती है। उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। हे दोस्तों, जैसा कि आप सभी वाली स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9 को देख पा रहे हैं, दिया गया है पवन अपरदन वाले क्षेत्र में कृषि की कौन सी पद्धति उपयोगी मानी जाती है। दोस्तों आपसे बता दें कि पवन अपरदन वाले क्षेत्र में पट्टिका कृषि उपयोगी मानी जाती है। इसमें फसलों के बीच में एक घास की पट्टिया विकसित की जाती है, जिसके कारण पवन के वेग द्वारा भी उपजाऊ जो मिट्टी होती है वो नहीं उड़ पाते हैं और जितने भी फसल उसमें लगाए जाते हैं उसका पैदावार अच्छी होती है। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आप इसी प्रकार से लिख देंगे। हे दोस्तों, अगला जो सवाल है हमारा क्वेश्चन 12 में कहा जा रहा है कि सर्वोच्च रेखा से आप क्या समझते हैं। आपने पिछले वाला क्वेश्चन में देखा कि सर्वोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं। चलिए आपको ये भी हम बता देते हैं कि आखिर सर्वोच्च रेखा होता क्या है। तो सर्वोच्च रेखा से आप क्या समझते हैं, मेट्रिक एग्जाम में ऐसे सवाल 2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे आप कि सर्वोच्च रेखा मापन की एक मानक विधि है, यानी किसी भी वस्तुओं को मापने के लिए एक मानक इकाई के रूप में हम मानते हैं सर्वोच्च रेखा को। इससे क्या होता है कि वस्तुतः किसी धरातल पर समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को ही सर्वोच्च रेखा कहते हैं। दोस्तों आपसे बता दें कि आप चाहते हैं कक्षा 10वीं के सभी सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर के साथ पीडीएफ फ्री में डाउनलोड करना, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मोबाइल ऐप के साथ साथ एक वेबसाइट का भी लिंक दिया गया है जिसका नाम है www.questionforexam.com। तो आप चाहें तो प्ले स्टोर में भी सर्च कर सकते हैं, मेरा मोबाइल ऐप और गूगल पे सर्च कर सकते हैं questionforexam.com, और उस वेबसाइट पे जाके आप कक्षा 10वीं के सभी सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के साथ पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। हे दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन 13 में कि खनिज क्या है। मेट्रिक एग्जाम में ये भी सवाल 2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं कि खनिज क्या है। काफ़ी सिंपल है इसका जवाब देना कि वैसे पदार्थ जो पृथ्वी के तल से प्राप्त किए जाते हैं। आसान भाषा में समझ लीजिए कि वैसे पदार्थ यानी पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी पदार्थ जो पृथ्वी के तल यानी पृथ्वी की निचली सतह से प्राप्त की जाती है ना, उसे हम लोग खनिज कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि भाई साहब ये खनिज होता कितने प्रकार के हैं। तो दोस्तों आपसे बता दें कि खनिज के 2 प्रकार होते हैं, एक होते हैं धात्विक खनिज और दूसरा होते हैं अधात्विक खनिज। तो धात्विक खनिज किसे कहते हैं, तो आसान भाषा से समझेंगे आप कि वैसे खनिज जिसमें धातु पाया जाता है ना, उसे हम लोग धात्विक खनिज कहते हैं। उसके बाद में हम लोग ये भी समझ लेते हैं कि अधात्विक खनिज किसे कहते हैं। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे आप कि वैसे खनिज जिसमें धातु नहीं पाया जाता है उसे हम लोग अधात्विक खनिज कहते हैं। उसके बाद में अगला जो सवाल है हमारा कि वनों के पर्यावरणीय महत्व बतावें। वन का मतलब जंगल, इसका जो पर्यावरण के में जो महत्व है वो क्या है, यही इस क्वेश्चन में आप सभी को बताना होगा। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे आप कि वन एक अमूल्य उपहार है जिसका कोई मूल्य नहीं लगा सकता है। तो आप क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे कि वन एक अमूल्य उपहार है जिसके आंचल में मनुष्य सदियों से पलता आ रहा है, इसका महत्व भी निम्नलिखित है। उसके बाद में आप सभी इसका महत्व रोमन नंबर में लिखेंगे कि आप सभी लिखेंगे कि रोमन नंबर 1 में कि वन CO2 जिसे हम लोग कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और O2 जिसे हम लोग कहते हैं ऑक्सीजन गैस। तो आप सभी लिखेंगे कि वन CO2 और O2 का संतुलन बनाए रखती है। उसके बाद में आप सभी लिखेंगे कि वन के पेड़ों की जड़ों से पानी रिस रिस कर भूमि के नीचे जाता है जिसे भूमिगत जल की आपूर्ति होती है। उसके बाद में आज सभी रोमन नंबर 3 में लिखेंगे कि वन जीवों का आश्रय स्थल है यानी रहने के लिए एक प्रकार का घर है। उसके बाद में जो अगला सवाल है कुछ में 15 में कि बहुदेशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों आपसे बता दें आखिर बहुदेशीय परियोजना होता क्या है। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे आप कि वैसे नदी घाटी परियोजना जिसका निर्माण अनेक उद्देश्य जैसे सिंचाई हो गया, पर्यटन, जल विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, मत्स्य पालन
एवं नौकायान के उद्देश्य से किया जाता है उसे हम लोग बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए कि वैसे नदी घाटी परियोजना यानी नदी पे जितने भी होती है परियोजना जिसका जो निर्माण है वो अनेक उद्देश्य से किया जाता है। कोई भी उद्देश्य हो सकता है, कभी कभी सिंचाई उद्देश्य रहता है, कभी पर्यटन है, जल विद्युत उत्पादन है, बाढ़ नियंत्रण है, मत्स्य पालन यानी मछली पालन है, उसके बाद में नौकायान यानी नाव चलाना है। तो ये अनेक प्रकार के उद्देश्य किया जाता है, इसी परियोजना को ही बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आपसे बता दें कि भारत में तो कई प्रकार के नदी घाटी परियोजनाएं हैं जो इस प्रकार से हैं। आप सभी रोमन नंबर एक में लिखेंगे कि भाखड़ा नांगल नदी घाटी परियोजना। आप सभी से मेट्रिक एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में भी ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि भाखड़ा नांगल नदी घाटी परियोजना किस नदी पे है। तो दोस्तों आपसे बता दें कि भाखड़ा नांगल बांध जो है वो सतलज नदी पे बांधा गया है, अतः भाखड़ा नांगल नदी घाटी परियोजना किस नदी पे स्थित होगा तो वो सतलज नदी पे होगा। उसके बाद में आसवी रोमन नंबर दो में लिखेंगे कि कोसी नदी घाटी परियोजना। उसके बाद में आसवी रोमन नंबर तीन में लिखेंगे दामोदर नदी घाटी परियोजना, रिहंद नदी घाटी परियोजना, नागार्जुन सागर नदी घाटी परियोजना। उसके बाद में अगला जो सवाल है हमारा कि भारत में चीनी उद्योग के वितरण पे प्रकाश डालें। आखिर भारत में चीनी उद्योग के क्या क्या वितरण हैं इसी के बारे में आसवी को लिखना होगा। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे आप कि भारत में चीनी उद्योग मुख्यतः उत्तर भारत और पश्चिम भारत में फैला हुआ है, किंतु दक्षिण भारत में भी चीनी उद्योग का काफ़ी विकास हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पर महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात इत्यादि। ठीक है, उसके बाद में आज भी लिखेंगे कि राज्यों में 2008 के अनुसार भारत में कुल 615 चीनी मिली हैं। मेट्रिक एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में भी ये सवाल पूछे जा सकते हैं कि भारत में कुल कितने चीनी मिल हैं। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे लिखेंगे 615, क्योंकि भारत में मिलों की जो संख्या है चीनी मिल के बारे में तो ये कुल 6 से 15 चीनी मिल हैं। तो हे दोस्तों, वीडियो लंबी ना हो जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हे दोस्तों, आप चाहते हैं कक्षा 10वीं का सभी सब्जेक्ट का इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के साथ PDF डाउनलोड करना, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी PDF का लिंक दिया गया है। मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए, उससे स्टडी कर लीजिए तो आप अपने मैट्रिक तथा इंटर एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स ला सकते हैं। तो हे दोस्तों, मैं मुकेश अंसारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए VBI क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।